अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि हम गूगल मैप से डाटा किस तरह स्क्रैप करेंगे। इसके लिए पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो एक्सटेंशन अब थोड़ा एडवांस हुआ है, अपडेट हुआ है, तो इसके लिए अभी मैं एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो एक मुझे ऑर्डर मिला था फाइवर पे, जो मैंने कम्प्लीट किया, तो आप ये भी देख लें कि मैंने इससे कितना डाटा स्क्रैप करके दिया है। इस टूल से तकरीबन 80,000 से भी अबव डाटा मैंने स्क्रैप करके दिया है। ये एक्सटेंशन फ्री है, 100% फ्री है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे जी मैप लीड जनरेटर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये जो पहला लिंक आ रहा है इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे ऐड टू कोरम। तो यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो ये एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। तो अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसका इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं आता है तो यहाँ पे इसके साथ एक वीडियो भी है, आप अच्छी तरह से देख करके किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इंस्टॉल करना है, किस तरह से हम इसे डाटा स्क्रैप कर सकते हैं, तो एक वीडियो भी इसके साथ है, तो आप देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको एक्सट्रैक्ट टू जी मैप लीड्स जनरेटर करूँगा ताकि एक फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट करें। तो ये हमारा एक्सटेंशन है, यहाँ पे हम इसको लोड करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये जो थ्री डॉट नज़र आ रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद मोर टूल के बाद हम एक्सटेंशंस पे जाएंगे। तो याद रखें यहाँ पे आप लोगों का डेवलपर मोड यहाँ पे ऑफ है, तो इसको ऑन करें, फिर यहाँ पे जाके हम इसको लोड करेंगे। तो जाएंगे डेस्कटॉप पे, ये वाला हमारा फोल्डर है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हुआ है, तो अब हम इससे डाटा स्क्रैप करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिपेयर इन यूएसए। तो ये मैं आप लोगों को एक डेमो दिखा रहा हूँ, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वन बाय वन हर लिंक को ओपन करता जाएगा और स्क्रैप करना स्टार्ट करेगा। थोड़ा हम वेट करेंगे ताकि ये थोड़ा लेट स्क्रैप करें, फिर हम देखेंगे। तो ये टूल नेम, एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल, राइटिंग, रिव्यू, नेगेटिव, पॉजिटिव, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारा चीज़, और सोशल मीडिया भी स्क्रैप करता है, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, लिंक्डइन हुआ, अगर अवेलेबल हुए तो सब्सक्राइब करेगा, अगर नहीं हुए तो नहीं करेगा। बहुत ही फ्री टूल है, आप भी यूज़ करें तो आप भी इसे अर्न कर सकते हैं। फाइवर पे ऑर्डर आप लोगों को मिल सकता है। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो व्यू रिजल्ट पे जाएंगे। ये सारा डाटा इसमें स्क्रैप किया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ आप लोगों को नहीं चाहिए तो उनको आप यहाँ से ऑफ करें, अदरवाइज अगर आप लोगों को सारा चाहिए तो सारा ऑन करें और एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगा,
आप देख सकते हैं ये सारा डाटा इसमें स्क्रैप करके दिया है। तो मैं थोड़ा इसको एडिट कर लूँ जल्दी जल्दी। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्री टूल है, ये सारा चीज़ स्क्रैप करके देता है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, एटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ईमेल, रिव्यू, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कैटेगरी भी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।